लंबित विभिन्न मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस नगरी निकाय प्रकोष्ठ के कर्मचारियों की बैठक शनिवार को संपन्न हुई। बैठक में आगे की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया, साथ ही निगम आयुक्त का ध्यान फिर से इस ओर आकृष्ट कराने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस नगरी निकाय प्रकोष्ठ से जुड़े कर्मचारियों अधिकारियों की बैठक शनिवार को विभिन्न लंबित मुद्दों को लेकर संपन्न हुई। बैठक में कर्मचारियों की पदोन्नति की समस्या, अनुकंपा नियुक्ति में पदस्थ कर्मचारियों के प्रमोशन सहित अधिकारियों कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। निगम आयुक्त को ज्ञापन देने के बावजूद कर्मचारियों की मांगों को लेकर कोई चर्चा निगम प्रशासन द्वारा कर्मचारियों से नहीं की गई। अपर आयुक्त के प्रयासों से कर्मचारियों को जवाब तो मिला, जिसे पढ़कर कर्मचारियों को सुनाया गया। बैठक की जानकारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस नगरी निकाय प्रकोष्ठ के संयोजक संजय शर्मा ने दी। ज्वलंत मुद्दों को लेकर बैठक हुई कि कर्मचारियों की जो पदोन्नति की समस्या है काफ़ी दिनों से रुका है, और जो अनुकंपा नियुक्ति में जो हमारे यहाँ कर्मचारी जो पदस्थ हुए हैं उनके प्रमोशन की और भी कई मुद्दों को लेकर कर्मचारी अधिकारियों संबंधित मुद्दों को लेकर आज चर्चा हुई। और 6 महीने पहले हम लोगों ने पत्र दिया था कि 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जी के पुतले के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, इन मांगों को लेकर के आप जो है हमें जवाब दीजिए। जवाब ही नहीं मिलता था निगम प्रशासन से, तो प्रशासन ने और अपर आयुक्त महोदय ने आयुक्त महोदय का अनुमति उपरांत हमको जवाब तो मिला है, और जवाब के विषय में ही आज यहाँ बैठक रखी गई थी, पढ़ के सुनाया गया है, और दुबेलाल सेन जी ने सुनाया और हमारे श्रवण ठाकुर जी ने मन संचारण किया और तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई। और अभी 6 तारीख को बैठक होने वाली थी अनुकंपा नियुक्ति और अन्य जो है प्रमोशन को लेकर के तमाम मुद्दों को लेकर के, लेकिन चूंकि कमिश्नर साहब का स्थानांतरण हो जाने की वजह से हम संभवतः बैठक स्थगित होगी। वो जो यहाँ जो क्रमोन्नति पदोन्नति समान वेतनमान क्रमोन्नति पदोन्नति समान वेतनमान और एक अन्य मुद्दों को लेकर जो बैठक होने वाली थी, उसके बाद हमारी परामर्शदाता समिति की बैठक होगी, जिसके लिए भी आज विचार किया गया। अप्रैल में बैठक हुई थी, 6 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, परामर्शदाता समिति की बैठक करना अनिवार्य है हर 2 महीने में, उसके लिए भी अभी हम लोग पत्र देंगे। और अद्यतन मुद्दों पर चर्चा हुई, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, तो हमारे श्रवण ठाकुर जी जो संगठन सचिव हैं प्रांतीय, वो पत्र लिखेंगे और राज्य शासन को, सचिव को और आपके मंत्री को और मुख्यमंत्री जी को और आयुक्त महोदय सबको जो है अवगत कराया जाएगा अद्यतन समस्या से। और मेरा परिचय संजय शर्मा, मैं नगरी निकाय में कोऑर्डिनेटर हूँ, संयोजक हूँ छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस से, और महासभा सचिव और प्रवक्ता हूँ नगर निगम भिलाई कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ का। बहरहाल बैठक में निगम के विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।